गिर थे यहाँ पे। अगर अम्मी को पता चल जाता तो जीते जी मर जाती। तुमने एक बार नहीं सोचा जो शादी से पहले यहाँ तक जा सकता है तो कैसे करेगा शादी तुमसे? क्या फायदा रोने का वीर, ये तुमने क्या कर दिया है? अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन मैं वीर से शादी नहीं कर सकता। ये लो यखनी पी लो। अरे बेटा यखनी, उसका तो पेट आगे खराब है। अम्मी मैंने सोचा एनर्जी आ जाएगी। देख लो बेटा। कुछ नहीं होता अम्मी। अच्छा चलो इसकी दवाइयों की लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेती आऊं। वो तो मैंने ले ली थी। ले ली थी कब? जी अम्मी वो मैंने हॉस्पिटल से ही ले ली थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अभी ये सब क्या है? क्या क्या पूछ रही हैं आप? तुम इस हद तक चली जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो काम कर रह गई, सोचा है अगर अम्मी वहां होती तो उन पर क्या बीतती। अभी गलती हो गई है मुझसे। गलती? गुनाह है अबीर, तुम अपना सब कुछ गवा बैठी हो। औरत के पास होता ही क्या है? बस गिरते यहाँ पे। अगर अम्मी को पता चल जाता तो जीते जी मर जाती। कौन है वो बताओ मुझे। हमारा रब्ता फेसबुक पर हुआ था, फिर हम मिलने लगे थे, मुझे अच्छा लगा था। वो उसने मुझसे शादी के वादे किए थे, कस्मे खाए थे। या अल्लाह कितनी नादान लड़की हो तुम। तुमने एक बार नहीं सोचा जो शादी से पहले यहाँ तक जा सकता है तो कैसे करेगा शादी तुमसे? पता नहीं कैसे कैसे मैं उसकी बातों में आ गई। बहुत पछता रही हूँ मैं, आप भी मेरे से गलती हो गई है। पछतावा? ये बताओ इस नुकसान की तलाफी कैसे होगी? सिर्फ सॉरी या पछतावे से ये घाव नहीं भरेंगे अबीर, ये माथे का एक कलंक है। इस्मत औरत का कीमती जेवर होता है और इसे तुम खो चुकी हो। कहाँ है वो जो तुमसे शादी करना चाहता है? अव्वल तो वो तुम्हारे रास्ते में ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। बोलो कहाँ है वो? अबीर मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। सही कह रही है, उसका नंबर बंद है, वो घर भी छोड़ के चला गया। क्या फायदा रोने का वीर, ये तुमने क्या कर दिया है? अभी मुझे माफ कर दे। बस अब जो फैसला हम करेंगे वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा, समझी तुम? क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, अब तुम्हें फौरन शादी करनी है। उस लड़के पर तो तुम फातिहा पढ़ लो, उससे शादी करनी होती तो रिश्ता ना खत्म करता, घर ना बदल लेता अपना। खुदा के लिए वीर अब कोई और गलती मत करना, अम्मी को मजीद अजाब में मुब्तला ना करना तुम। क्या कह सकती हो, इस मसले से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने एक फैसला कर लिया। ताबीर बेटा पानी का गिलास पकड़ाना। ताबीर बेटा का पानी का गिलास पकड़ा दो। जी अम्मी।
ये अभी बहुत कमजोर हो गई है, बिस्तर से ही लग गई है, हत्या कि इसको ड्रिप्स भी लग गई हैं, इलाज भी हो गया है। बेटा उससे कहो कि जरा चले फिरे। जी अम्मी, डिहाइड्रेशन हुई है, एक आध दिन तो लगेगा। ये पहले भी बीमार होती थी मगर इस तरह नहीं। ये लड़की बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखती। इस बार वॉमिटिंग ज्यादा हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कॉलेज ना जाने का बहाना ढूंढ रही हो? क्या कह रही अम्मी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ अहमद से बात हुई, वो कब आ रहा है? जी बात हुई थी, कह रहे थे जैसे ही फुर्सत मिलती है चक्कर लगाएंगे। चलो बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अम्मी आप मेरे लिए दुआ करें। बेटा माँ हमेशा बच्चों के लिए दुआ ही करती है, माँ का औलाद की तरफ देखना ही दुआ होता है। अम्मी मैं कुछ और कह रही हूँ। अच्छा मेरी जान, मैं तो हर लम्हा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी गोद भरी करे, तुम मुकम्मल हो जाओ और अल्लाह मेरी बेटी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। चल मैं ये दवाइयां रख कर आ जाऊं। पापा कहाँ हैं? वो अबीर की दवाइयां लेने गई हैं। अबीर की दवाइयां? क्या हुआ है अबीर को? उसकी तबीयत खराब है। अजान, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ तो करो ना। बहुत दावे करते थे ना तुम मुझसे मोहब्बत के, आज अचानक पुरानी बातों को दोहराने का क्या मतलब? बातें ही तो याद रह जाती हैं। हाँ यादें तो जिंदगी की हम सफर होती हैं। आज पता चलेगा कि तुम्हारी नजर में मेरी क्या अहमियत है। क्या पहेलियां बुझा रही हो, खुलकर बात करो ताबीर। मैं चाहती हूँ तुम अबीर से शादी कर लो। क्या तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ अजान। लेकिन क्यों? मैंने वीर को हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। ठीक हो अजान, मैं तुम्हें अपना समझ के कुछ बताने जा रही हूँ। क्यों? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस मोड़ पर भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा लेकिन मैं अबीर से शादी नहीं कर सकता। हाँ मैं उस शख्स तक जरूर पहुंचूंगा जिसने अबीर को इस हाल में पहुंचाया। उससे क्या होगा अजान? उसने जो झूठ बोले हैं उसे सच साबित करने होंगे। अगर वो इतना अच्छा होता तो अबीर को छोड़कर ना जाता। तभी बाज़ औक़ात लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना पड़ता, झिझोड़ना पड़ता। हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो अबीर को अपना ले। हम मफरूजों से नहीं बहल सकते, आंखें खोलकर हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ताबीर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ इंसान के कॉलो फिल में कितना तजाद होता है। तुम्हारे सोचने का अंदाज ठीक नहीं है। शायद पहली बार में ठीक सोच रही हूँ। ताबीर मेरा यकीन करो, मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। तुम हम दोनों को एक नई मुश्किल से दो चार करना चाह रहे हो, हम दोनों कैसे एक दूसरे को कबूल करेंगे? वक्त सब कुछ करवा देता है, बोलो हाँ या ना। समझने की कोशिश करो ताबीर, तुम जिद क्यों कर रही हो? ये मामला पसंद नापसंद से बढ़ गया है, उसकी जिंदगी का सवाल है, इज्जत दांव पे लगी हुई है हमारी, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? मैं समझ रहा हूँ, मुझे सोचने दो,
इनकार करने का मुहज्जब तरीका है ना। जो मर्जी समझ लो, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए। और मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो यार, प्लीज।